नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। राजस्थान के दौसा में बीते दिनों एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई और उनके शवों को कुएं में डाल दिया गया, लेकिन मृतकों के परिवारजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मृतकों के बच्चे न्याय की आस लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इसी कड़ी में तीनों अनाथ बच्चे राजधानी दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। आखिर इंसाफ की लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? यह मामला दौसा जिले राजस्थान का है। सिर्फ कुछ बच्चे अनाथ हो गए हैं। अनाथों का लोग सहारा करते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन की अध्यक्षता में अनाथ हो गए हैं। यह मामला राजस्थान के दौसा जिले का है। आइए हम जानते हैं क्या नाम मामला है भाई। जी सर, मेरे माता पिता को मारकर कुएं में डाल दिया और मंडावर थाना पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो इसलिए हम दिल्ली आए हैं। दिल्ली में कोई सुनवाई हो जाए, गृह मंत्रालय में हम अज्ञापन देना चाहते हैं। सर, आप देख रहे हैं इस वक्त हम कनाट प्लेस में मौजूद हैं। ये दोनों बच्चे गृह मंत्रालय में ज्ञापन देना चाहते हैं। आखिर राजस्थान सरकार नहीं सुन रही, राजस्थान पुलिस नहीं सुन रही, तो आखिर गुहार किससे लगाया जाए? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होगी? अशोक गहलोत, आखिर इन दोनों बच्चों से न्याय कब करोगे? क्योंकि इनके माता पिता को मारकर कुएं के अंदर डाल दिया गया है। घटना ये है, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है आपके साथ? सर, हमने 28 दिन धरना भी दिया है वहाँ। धरना देने के बाद भी हमको डेली यही बोलते थे कि खड़ा होके चल जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो हमने बोला कि सर, आप तो पुलिस वाले हो, तो कहीं से भी मुलजिमों को तो पकड़ के लेके आ सकते हो, तो तुमको तो ये करना चाहिए। ये हम ऐसे अभी हम वो कर रहे हैं, ऐसे बोल के चले जाते थे और कुछ भी सुनवाई नहीं करते हैं वो। ये मामला 11 नवंबर का है, ये हम नहीं कह रहे, ये FIR कॉपी कर रहे, आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये मामला 11 नवंबर का है, 21 नवंबर का है, और इसमें 302 का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस की कलम से 302 का मुकदमा दर्ज है। आखिर ये जाँच कब तक होगी? 1.5 महीने, 2 महीने, 5 महीने, या जाँच होती रहेगी? क्योंकि इसके बाद तो दरवाजे तो बड़े बड़े खुले होते हैं। ये बंदे दोनों हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गहलोत, आपकी दरबार में आएंगे सरकार से। आखिर सरकार क्या कर रही है राजस्थान की? कब सुनेगी इनकी पुकार? दोनों बच्चे अनाथ हो गए, ये तीन भाई हैं, लेकिन दो गृह मंत्रालय से पुकार कर रहे हैं मिलने के लिए। सर, हमारा एक भाई है जो थोड़ा सा मेंटल हो चुका है, तो उसको भी दवाई दिलाने जा रहे हैं। हमको टाइम नहीं मिल रहा है सर। फिर अब यहाँ आए हम, दौसा SP के पास भी गए हैं, उन्होंने बोला कि कर रहे हैं हम। हमने बोला सर जी, ऐसे कितने दिन जांच चलेगी? तो वो बोल रहे हैं कर रहे हैं, ऐसे बोला था हमसे। आखिर एक बार इनकी नज़रों में तो देख के देखो, ये दोनों भाई यहाँ खड़े, इनका एक भाई मेंटल भी है, उसको भी दवा दिलवा रहे हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है? कब इनको इंसाफ मिलेगा? कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? आखिर आप लास्ट में कहना क्या चाहते हो राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रशासन से? सर, वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये केस की CBI संभाले, या हमको न्याय चाहिए सर, या CBI संभाले, या गृह मंत्रालय किसको देना चाहता है, राजस्थान सरकार किसको सौंपना चाहती है, हमको न्याय चाहिए सर जी। आखिर हम भी यही गुहार लगा रहे, TNP न्यूज भी यही गुहार लगा रहा, किनकी इनको न्याय कब मिलेगा? क्योंकि ये गृह मंत्रालय से मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, गृह मंत्री से। अगर नहीं मिलता है तो आखिर न्याय कब मिलेगा? TNP न्यूज भी ये गुहार लगा रहे, इन दोनों बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। या राजस्थान सरकार हमको सुन रही है तो TNP न्यूज के माध्यम से इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। शिवम पांडे, TNP न्यूज, दिल्ली।